कि ना के अपना हाँ तनु की तकलीफ है मैं टिनिटिस प्रॉब्लम टिनिटिस हां जी इसमें 3 साल हो गए 3 साल हां पर जेडी ए प्रॉब्लम हूं कोई है जेडी स्पीच दिस प्रॉब्लम है एक ने जो तो है 10 हफ्ते हो गए सो चेस्ट के फ्लू होया जनन काम वगैरह दे नाल हो गया कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लाइस कुछ लिया ते टाइम लग गया आ वापस लेकिन जब जिस अगर ते होली कल कर दी है ते वर्ड्स ज़्यादा आंदे हैं कुछ दिन कर दी है ते वर्ड्स मिसिंग हो रहे हैं कितने इलाज करा इधर बारे मैं पेन किलर्स दलिन दिसी ज़्यादा वो मेरी स्टॉप की नहीं है डॉक्टर स्टॉप्स की थी दैट इज आई डिड और किसी ने डॉक्टर्स ने दिखाया तो उन्होंने की क्या था उन्होंने क्या भी याद है कि बट इन राम देव वॉइस ऑफ टेस्ट की है इससे ना काफ़ी फर्क पड़ा तो होम जो प्रॉब्लम मैं खा रही मैम क्या नाम है आपका मेरा नाम तजिंदर पाल कौर है आप कहाँ रहते हैं मैं यूके आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे को टिनिटस की प्रॉब्लम बहुत देर से थी लेकिन उसके साथ साथ अभी पिछले 2-2.5 महीने से मेरा वॉइस लॉस हुआ था अच्छा तो क्या आप बोल पाते थे अच्छे से या नहीं बोल नहीं बिल्कुल मेरी आवाज़ इतनी बंद हो गई थी कि मैं विस्पर ही करती थी लेकिन किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और 2.5 महीने से आपने फिर कुछ एलोपैथिक इलाज करवाया था कि नहीं हाँ जी मेरा एलोपैथिक इलाज लंदन में चल रहा था डॉक्टर्स ने देखा था स्पेशलिस्ट ने देखा था लेकिन वॉइस वापस नहीं आ रही थी विस्परिंग के बावजूद थोड़ा मेरे को रेस्ट भी करने को बोला था मैंने रेस्ट भी करी आवाज़ फिर भी वापस नहीं आई इतने के दौरान मैं इंडिया आई आने से पहले मैंने यहाँ का रिसर्च किया कि मैं जा तो रही हूँ क्योंकि आई बिलीव इन आयुर्वेदा सो मैंने आपका नंबर मेरे को टॉप में आया जब मैंने सर्च किया तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि अमृतसर में कहाँ हो तो मैं आपसे आके तो उस समय जब आपकी वॉइस में बोलने में दिक्कत आ रही थी तो कैसे बोल पाते थे कुछ अटक जाते थे बिल्कुल भी अटकना इतना ज़्यादा अटकना था कि मैं इस तरीके से बिल्कुल बात ही नहीं कर सकती थी और सब लोगों को पता है जहाँ पर मैं रहती हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी जा चुकी थी तो आपके गले में दर्द होना या गले में भारापन लगना ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी भारापन हो भी गया था उसके साथ मेरा एस्मा भी ट्रिगर होने लग गया था क्योंकि मैं बहुत बोलने की कोशिश करती थी और मेरे को सब बोलते थे कि तू बोल नहीं तू चुप ही रह क्योंकि यू नीड ब्रेक एंड यू नीड टू रिलैक्स थोड़ा रिलैक्स करने को ही सब बोले जा रहे थे लेकिन एक महीना निकला 6 हफ्ते निकले 7 हफ्ते निकले फिर थोड़ा परेशानी होने लगी कि ऐसी कैसी कौन सी बात होगी कि जिसकी वजह से इतनी आवाज़ चली गई है सो मेरे को ऐसा जब आपने हमारा ये पंचकर्म का ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद आपको क्या क्या पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम नज़र आने शुरू हुए और आपका बिलीफ कैसा रहा कि उस समय आप जब आए थे बहुत स्ट्रेसफुल थे आप कुछ रो भी रहे थे तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ बल्कि आज मैं वापस लंदन जा रही हूँ और मैं दवाइयाँ लेने आई हूँ और क्योंकि मैं फुल ट्रीटमेंट नहीं ले पाई आपने भी थोड़ा मेरे को चलो लीवे दिया कि चलो अगर आप नहीं आ सकते तो जितना है लेकिन पहले 3-4 दिन में जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उसके साथ मेरे को इतना फ़र्क पड़ा कि मेरे को खुद को फील हो रहा था कि मैं बोल पा रही हूँ और स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम था वो मेरे को तो नहीं पता था कि ये स्ट्रेस लेवल हो सकता है लेकिन हो सकता है कि हाँ आप डॉक्टर हो आपने वर्कआउट किया स्ट्रेस लेवल था सो लोगों का बिलीफ है कि आयुर्वेदा कुछ स्लो काम करता है तो आपको ऐसा कुछ लगता है मेरे को तो ये आयुर्वेदा इस वक्त तो इंस्टेंट लगा लेकिन टिनिटस की प्रॉब्लम अभी है सो आपने बोला है कि दवाई खाने के साथ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहती ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट लेती तो हो सकता उसको भी फ़र्क पड़ जाता जैसे आपने बोला लेकिन जो मेरी एक सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम थी वो उसी वक्त आपने डील करी हाँ थोड़ा ट्रीटमेंट इंटेंस था मेरे को लगा लेकिन मे बी दैट इज़ आयुर्वेदा सो इंडियन आयुर्वेदा सो आपने जो भी किया है सो वुड यू लाइक टू रिकमेंड एनीथिंग टू द पेशेंट्स कि आयुर्वेदा हाँ जी मैं कहूँगी कि आप बिलीव करें आयुर्वेदा में बिलीव करें और आपको आके मिले सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है अमृतसर में और दवाइयाँ भी जो हैं लेने में ठीक है
इतनी ज्यादा ऐसी नहीं है कि नहीं खाई जा सके, और सब लोगों को बिलीव करना चाहिए क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरे को बोला गया था कि ये रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, अब जो मेरे को दिया गया था वो रिफ्लक्स के लिए दिया गया था। चलो हो सकता है कि दो एक चीज़ें हों लेकिन जो भी, लेकिन इस ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।